शिमला नगर निगम के चुनाव को कांग्रेस सरकार पूरी तरह से प्रभावित करने की पहले दिन से कोशिश कर रही है, चाहे रोस्टर की बात है, चाहे वो नए सिरे मतदाताओं का यहाँ पर बनाने की बात है गलत तरीके से। ये सारी बातें हम एक बार में अनेकों बार मीडिया के समक्ष कर चुके हैं, लेकिन अब तो पिछले कुछ दिनों से और भी चीज़ें इस प्रकार से गुंडागर्दी करना, कल रात को कुछ जगह शराब की दुकानें देर रात तक खोले रखना, और आज भी हम अनेक जगह से पोलिंग बूथ स्तर पर जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग सारी चुनाव की प्रक्रिया को गुंडागर्दी के साथ प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन सबसे हैरान करने वाला उदाहरण हमारे सामने आज प्रस्तुत हुआ है, और उसने इलेक्शन कमीशन की वर्किंग पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। मैंने व्यक्तिगत रूप से इलेक्शन कमिश्नर से भी बात की है, और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के बात करने के पश्चात मैं उनके उत्तर का इंतज़ार कर रहा हूं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी है जिसमें ऐसा लगता है कि पूरे इलेक्शन कमीशन को भी सरकार ने बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है उनकी वर्किंग को, और जिस तरह से निष्पक्ष मतदान होना चाहिए उस मतदान को निष्पक्षता के साथ होने से बाधित किया है। एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, शिमला का, छोटा शिमला का हमारा वार्ड नंबर 28, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वहां से प्रत्याशी संजीव चौहान हैं। इलेक्शन कमीशन ने जिस दिन सिंबल अलॉट किया, उन्हें कहा कि आपका सिंबल नंबर 1 पर होगा और कांग्रेस को नंबर 3 पर दिया। लेकिन आज भी अगर इलेक्शन कमीशन की साइट पर नजर मारें तो उसी तरह से है, लेकिन जब ईवीएम वहां पर रखी गई उसमें भारतीय जनता पार्टी का संजीव चौहान का नंबर 1 की बजाय उसका नंबर 2 कर दिया गया, दूसरे नंबर पर चुनाव चिन्ह कर दिया गया, और कांग्रेस का जो तीसरे नंबर पर था उसको नंबर 1 पर कर दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो नहीं सकती है। और यही बात समाप्त नहीं हुई, एक अगला वार्ड है वार्ड नंबर 30 कंगनाधार, और कंगनाधार में भारतीय जनता पार्टी की हमारी कैंडिडेट रेणु चौहान, और जिस दिन विड्रॉल वाले दिन सिंबल अलॉट होते हैं तो उस दिन उनको सिंबल अलॉट किया कि नंबर 3 पर आपका सिंबल आएगा, और आज जब ईवीएम को डिस्प्ले किया गया वहां पर वोट देने से पहले, मतदान शुरू होने से पहले, तो 3 से उनका स्थान बदल कर